नमस्कार। इस वक्त हम चित्रकूट में हैं। सतना संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है चित्रकूट। यहाँ पर हमने चौपाल लगाई है और इस चौपाल में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है मतदाताओं का मूड। यहाँ 15 लाख से भी ज़्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ 44,000 से ज़्यादा नए युवा हैं जो नया मताधिकार का प्रयोग करेंगे, पहला मत डालेंगे अपना। यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इनकी राय इस बार मोदी या राहुल। देखिए, देश का भविष्य मोदी के साथ सुरक्षित है। विश्व में भारत का सम्मान मोदी के हाथों में सुरक्षित है। देश मजबूत हाथों में मोदी के हाथों सुरक्षित है। इसलिए सारा समाज देश को एकजुट रखने के लिए मोदी के साथ में है। क्या लगता है आपको, इस बार वक्त बदलाव का है या एक बार फिर मोदी सरकार? देखिए, वक्त बदलाव का नहीं है, जनता का विश्वास है। जिस तरह से 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में बना हुआ है, एक बार फिर मोदी सरकार का जनता में जुनून है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रहित की जो बात करेगा वही जो है पब्लिक में राज करेगा। क्यों चुनना चाहिए इस बार मोदी को दोबारा? मोदी को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि मोदी देश के लिए तो ठीक है, पर राष्ट्र से ही में भी उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ा है। और जब से मोदी आए हैं तो पहले हमारा अमेरिका भी मोदी को पसंद नहीं करता था, उनका वीज़ा नहीं दे रहा था, पासपोर्ट भी नहीं दे रहा था। इसके बाद धीरे धीरे मोदियों की जो नीति और मोदी की जो पसंदता थी उसमें अमेरिका को झुकना पड़ा और अमेरिका ने मोदी को बुलाया, फिर आया। और देखिए, आज हमारा मोदी जी जब हैं, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है मोदी जी। और अंत में चीन भी, जब मसूद अजहर वाला कांड था तो झुका हुआ था, अंत में चीन को भी झुकना पड़ा और मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया। आपका क्या मानना है, इस बार मोदी रहेंगे या राहुल प्रधानमंत्री? जी, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी का रहना अति आवश्यक है। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश आज से 20 साल पीछे भी जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि मोदी जी का रहना अति आवश्यक है। और मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आज जो देश का मान सम्मान हो रहा है और हम महिलाओं का मान सम्मान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? हम भी मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत कुछ किए हैं। आगे भी हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही रहें। राहुल क्यों नहीं? राहुल जितना मोदी जी ने किया है तो राहुल गांधी को ये तो नहीं कहा गया था कि आप ना करें कुछ, उनको भी ये कुछ ना कुछ करना चाहिए देश के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग मोदी को ही। इस बार मोदी सरकार या वक्त है बदलाव का? अभी तो वक्त नहीं है, मोदी के ही सबसे ज़्यादा, और देश को मोदी की ही ज़रूरत है और मोदी को देश की ज़रूरत है, तो पूरे 100% मोदी। कांग्रेस की न्याय योजना कारगर नहीं रहेगी इस बार? अब पिछले 60 सालों से तो नहीं रही है, अब वो मोदी को पीछे करने के लिए जो लुभावने वादे दे, बाकी 60 साल से वो खरी नहीं उतरी कहीं भी। तो मुझे नहीं लगता कि उसके वादे और उसके जो ये जो 72,000 रुपये वार्षिक दे रहे हैं तो इसका कहीं कुछ सही कारगर होगा। सिर्फ खाली लुभावने वादे हैं उनके, बस 72,000 रुपये नहीं आएंगे। और आएंगे भी तो मतलब आपने पहले क्यों नहीं दिया, आप पहले कहाँ थे? 72,000 रुपये तो आप पहले भी तो दे सकते थे। आज आपको यदि देखना ही नहीं पड़ता तो बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है कांग्रेस आएगी। क्या लगता है इस बार फिर मोदी? 100% मोदी। राहुल गांधी के लिए कहीं कोई अभी जगह नहीं है, वो उनमें इतनी परिपक्वता ही नहीं कि देश उसको कमान सौंपी जा सके। 100% मोदी आएंगे। इसकी क्या वजह है? वजह उनका विकास है, देश के प्रति उनका जो नजरिया है। आज देश को जो विश्व में इतनी मजबूती मिल रही है तो मोदी जी की वजह से मिल रही है। देश सीना उठा के अपना आप हमारे प्रधानमंत्री सीना उठा के देश में चल रहा है। ऐसी कभी आपने देखा है कभी, क्या कहते हैं, कोई प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर अपना अपनी धाक जमा पाया हो? हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं। आप क्या मानते हैं, इस बार मोदी सरकार फिर से या राहुल? इस बार निश्चित तौर पर पिछली बार जो माहौल था वो भाजपा के पक्ष में माहौल था और इस बार पूरे भारत देश में टोटल मोदी जी का ही माहौल चल रहा है। और निश्चित तौर पर युवा साथी
भाजपा के ही साथ में रहेगा, मोदी जी के ही साथ में रहेगा। आप क्या जी, आज के समय में हमारे समझ से मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है, ये सुन लीजिए। ये अच्छा ठीक। क्या सोचते हैं आप? क्या जी, मोदी जी को सोचते हैं, मोदी जी आएंगे तो देश तो सुरक्षित रहेगा। अब मोदी जी को ही आना है पुनः, और भाजपा ही पुनः सरकार बनाएगी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं बना पाएगी। जितना युवा है, जो भी किसान है, सब मोदी को ही जानते हैं। अब मोदी से ही सब कोई सुरक्षित है। इस तरफ भी चलते हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी या फिर राहुल। भाई साहब, भारत की चुनावी रणनीति में तो मोदी ही सबसे आगे हैं, दूसरा कोई प्रत्याशी दूर दूर तक कोसों तक नहीं है। कायदे से अब विपक्ष को 2024 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2019 तो हमारे मोदी जी लगभग जीत चुके हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार हम लोग अभी तक सुनते आते थे कि महात्मा गांधी जी के बारे में कि दे दी तूने आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, वही पोजीशन आज हमारे मोदी जी ने किया कि बिना गोली बंदूक के मसूद अजहर को, जैसे कुख्यात आतंकवादी को, उन्होंने आतंकी, इंटरनेशनल आतंकी घोषित करा दिया। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ना हमें एक फाइट करनी पड़ी, ना कोई गोली बारूद चलानी पड़ी, और आज पाकिस्तान शिकस्त हो चुका है, जो कि भारत के आगे कहीं पर टिकने की पोजीशन में नहीं है। और ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत मोहल्ले पड़ोस का नहीं है, इसलिए ना तो जातिवाद हावी हो सकता, ना क्षेत्रवाद हावी हो सकता, केवल राष्ट्रवाद हावी होगा। और आज हम राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि क्षेत्र के लिए। चित्रकूट में है और यहाँ संतों की राय न ली जाए ऐसा हो नहीं सकता। हमारे बीच में एक संत हैं, उनसे हम जानेंगे कि मोदी या फिर राहुल। नहीं, मोदी जी ही दोबारा, मतलब ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ अभी। दो प्रधानमंत्री तीन हम देख चुके हैं, 50 साल की उम्र है हमारी, जो मतलब मोदी ने काम किया है अभी, और इंदिरा गांधी के समय से अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ मोदी के सामने जो इतना अच्छा काम करा सके। और आज भी मोदी का भविष्य पूरा बोल रहा है कि मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री और अच्छी भारत की पूरी मदद कर रहे हैं। दादा, आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी जी जीतेंगे भाई साहब? आप बताइए, राहुल या मोदी? मोदी जी ने ऐसा अच्छा काम देश का किया है कि मोदी ही मोदी रहना चाहिए। आप मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? वो अच्छे काम कर रहे हैं जनता के साथ, सबके लिए बराबर, मोदी जी ही रहेंगे। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, क्या मोदी या फिर राहुल? मोदी ही निकलेगा पक्का के लिए। क्या ऐसी वजह क्या है कि मोदी? वजह ये है कि उसके मोदी में और राहुल में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए कि मोदी और राहुल में ये तो पूरा भारत जान रहा है कितना बड़ा अंतर है। इसलिए प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद होता है, इसलिए मोदी ही। यहाँ हमारे साथ और कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, क्या क्या लगता है आपको? हम भाई मोदी के साथ में भाई। क्या कारण है कि मोदी किसानों को सुनते हैं? अभी 6000 रुपये सबको पूरे इंडिया को दिया, हिंदुस्तान को दिया, और कोई सरकार आता एक रुपये नहीं दिए किसानों को, किसानी की सुनवाई है। अब तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि 12000 रुपये साल देंगे। अरे तो कही रहे, वो तो झूठी, वो तो झूठी जी। आप हाँ, सरकार हम तो यह बता रहे हैं कि मोदी की सरकार में किसान को सुनाई है, और किसान का धन मिल लो, वाले कुछ नहीं मिलूगा कब हम कहिए तो बचत। तो अभी तो कांग्रेस ने भी एक योजना लाई है ना कि 72000 रुपये साल देने को बोला है कि सरकार में हमको 6000 मिल रहे हैं, और किसान का सुनाई करे हमारी आकाई। आपको क्या लगता है, मोदी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे श्योर, 100% मोदी सरकार बनेगी, कोई दूसरा चांस है नहीं किसी को। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, बताइए मोदी या फिर राहुल गांधी? मोदी। क्या वजह मानते हैं कि फिर से मोदी? मैं एक बार चैनल पर देख रहा था तो दो तीन प्रांतों के वशिष्ठ लोग गए, उन्होंने पूछा कि आप मुसलमानों को क्या करते हो, हिंदुओं को क्या करते हो, तो उनके स्पष्ट शब्द थे कि ना मैं मुसलमानों की कोई सहायता करता हूँ, ना हिंदुओं की कोई काम करता हूँ।
मैं अपने देश की सेवा करता हूँ, तो हमको अपना देश सशक्त बनाने के लिए मोदी ऐसा शेर जवान का आदमी चाहिए। तो चित्रकूट है श्री राम की तपोभूमि रही है, 12 वर्ष श्री राम ने यहीं बिताए हैं, तो यहाँ पूरी चित्रकूट मोदी के रंग से रंगी हुई है। योगी तारा आज तक सतना। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।